कुछ ही घंटों बाद श्रद्धालु डूबते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाएंगे। इस वक्त हम आईटीओ स्थित यमुना के घाट पर मौजूद हैं। कैमरे की नज़र से आप देखेंगे यमुना का ये किनारा, और उसी किनारे पर खड़े हैं हमारे साथ सांसद प्रवेश वर्मा जी। वर्मा जी, DDMA की गाइडलाइन से इजाज़त नहीं है, कैसे होगी, श्रद्धालु कैसे पूजा अर्चना करेंगे? बाहर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो ABP चैनल के माध्यम से सभी से ये बहुत ही प्रेम पूर्वक कहना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ा छठ का महापर्व है, और सभी माँ बहनें जिन्होंने व्रत रखा है, सभी व्रती आज यहाँ पर आएँ, और ये घाट खुला हुआ है, आप आइए, और यहाँ पर बहुत ही सम्मान और सुरक्षा के साथ में यहाँ पर पूजा होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी हमारे त्यौहार को ऐसे नहीं कुचल सकता है। एक दिल्ली सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि ITO छठ घाट पर पूजा नहीं होगी, जबकि दिल्ली में हजारों घाटों पर पूजा हो रही है। जो घाट MCD के पार्कों में, DDA के पार्कों में चल रहे हैं, वहाँ पर पूजा हो रही है, मगर ये दिल्ली सरकार का जो ऐतिहासिक यहाँ पर छठ घाट है, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। तो इसका कारण ये था कि जो सामने माँ यमुना दिखाई दे रही है, इतनी मैली हो चुकी है, और हरियाणा से तो साफ पानी आता है, मगर यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनका सारा पानी, सारा वेस्ट इसके अंदर आ जाता है, तो कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए कि वो इसमें सफाई कराए, अभी तक उसने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, कोई ईंट नहीं लगाई, दीवार नहीं लगाई, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, कोई साफ सफाई नहीं, तो कैसे माँ अंदर जाएंगी? तो इसलिए ये घाट जहाँ पर अभी हमने साफ पानी छोड़ा है, तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर पूजा होगी, और सभी को बहुत मान सम्मान के साथ में, और जब तक नहीं होगी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप खुद कह रहे हैं यमुना जी का पानी काफ़ी गंदा है, केमिकल्स है, सब कुछ है, कोविड महामारी भी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति नहीं लग रही है आपको? ये घाट अलग से है, यहाँ से यमुना थोड़ा सा 40 फुट आगे है, तो यहाँ पर साफ पानी है, तो कोई माँ बहन आएगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो यहीं पर आए, इसी घाट पर पूजा करें और यहीं से अपने घर चले जाएँ। तो बहुत सारी माँ बहनें पिछले साल भी आई थी, तो जब आते हैं किसी घाट पर जाते हैं तो माँ बहनों का वहाँ से एक बहुत प्रेम हो जाता है, मन्नत हो जाती है उसी घाट से कि मैं उसी घाट पर जाऊँगी, मैंने वहाँ से उस घाट से ये मांगा था, मेरी जो है मन्नत पूरी हो गई, मेरी प्रार्थना माँ ने पूरी कर दी, तो मैं वहाँ पर फिर से जाऊँगी। तो जो इस घाट पर आई होंगी उनको कैसे रोकेगा कोई? पुलिस खड़ी है बाहर, ITBP की कंपनी भी लगी हुई है, हम भी खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता भी खड़े हैं। तो सांसद प्रवेश वर्मा जी, जिनका कहना है कि वो खड़े हैं, फोर्स खड़ी है तो खड़ी रहे, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और अपना पूजा अर्चना करेंगे, और ये एक छोटा सा ये कृत्रिम घाट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। पीछे आपको यू कलकल बहती हुई यमुना नदी नज़र आएगी, जो काफ़ी गंदी है, मैली कुचली है, और उसी के साथ में जो ये कि छोटा सा इन्होंने घाट बनाया है जिसकी सफाई कराई है। इनका कहना है कि लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, हालांकि DDMA की गाइडलाइंस है, और फिलहाल यमुना किनारे किसी को भी पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।